ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को ईडी के द्वारा बार बार परेशान किया रहा है। उनको हेराल्ड केस में पुनः बुलाया गया, जबकि ये मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन चूंकि विपक्ष की आवाज़ को दबाना है, विपक्ष की आवाज़ इस देश में सरकार के खिलाफ न उठावे, इसके लिए ये सरकार चाहती है कि हम उनको परेशान करते रहें। आप जानते होंगे आज देश में महंगाई की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, रोज़ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, गैस के दाम में सब्सिडियाँ ख़त्म कर दी गई। तो इस देश में जो जन समस्या है, जिसको लेकर हमारे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी प्रखर रहते हैं और मोदी जी पे हमला करते हैं, इन हमला से बचने के लिए और लोगों का महंगाई और बेरोजगारी हटाने के लिए इनको तंग करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इनके जो मुद्दे हैं, ये इनकी सरकार जो फैल हो चुकी है, इनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करें। आज हम लोग ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रदर्शन ईडी कार्यालय रांची में होना था, लेकिन 144 धार लगने की वजह से जिला मुख्यालय में हो रहा है और हम लोग उपायुक्त महोदय ज्ञापन देंगे। इसके बाद हम अपने कार्यालय में बैठ के तब तक हम लोग जुटे रहेंगे जब तक राहुल जी को वहाँ नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। तो हमारे माननीय सम्माननीय नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को ईडी के माध्यम से सम्मान देना, वो भी ऐसे मामले में, एक ऐसे राष्ट्रवादी प्रखर अखबार को लेकर जिनका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। नेशनल हेराल्ड की स्थापना कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े नेताओं द्वारा आज़ादी की लड़ाई को नया हथियार देने के लिए, ज़्यादा धार देने के लिए जिस अखबार की स्थापना की गई थी, और अंग्रेज इस अखबार से इतने परेशान हुए थे कि सन 1942 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने, और फिर भारी विरोध के बाद 1945 में इस अखबार को दोबारा चालू करना पड़ा, अनुमति देनी पड़ी अंग्रेज़ों को, और आज उसी अंग्रेजी मानसिकता वाले जिन मानसिकता के लोगों ने, जिस विचारधारा के लोगों ने उस समय अंग्रेजी शासन का समर्थन किया था, जिन्होंने आज़ादी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, आज वैसी मानसिकता के लोग, उसी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को, उसी विचारधारा के लोगों को आज पुनः परेशान करना ईडी और सीबीआई के माध्यम से लगातार, जबकि कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई केस नहीं हुआ है, फिर भी सम्मन देकर बुलाना पूछताछ के लिए, केवल हमारे नेताओं का चरित्र जनता की नज़र में खराब करना, उनका मान सम्मान खराब करना, और इनका जितना इन लोगों ने, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया कि असल मुद्दा जो कश्मीर के बारे में इन लोगों का मुद्दा था, आज कश्मीर में दर्जन अधिक कश्मीरी पंडितों की हत्या चुन चुन कर की जा रही है, पूरा देश उनसे जवाब मांगेगा, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक मामूली नूपुर शर्मा जैसे, जिसको कोई पूरा व्यक्ति नहीं जानता था, उसको एक पूरे देश का ध्यान भटकाने के लिए उसको उनसे अनर्गल बयान दिलवाया गया, और सहानुभूति अर्जित करने के लिए उसको ये कर दिया गया कि हमने उसको पार्टी से निकाल दिया। जब अनर्गल बयानबाजी के लिए आप अन्य लोगों को गिरफ्तार करते हैं, तो अनर्गल बयानबाजी के लिए क्यों नहीं आप अवेसी को गिरफ्तार करते, क्यों नहीं नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करते और सजा देते हैं? आप प्रदर्शनकारियों के घर गिरा देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, तो वैसे लोग जिन्होंने अनर्गल बयानबाजी करके पूरे देश को नफरत की आग में झोंकने का काम किया, उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते? मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से उन सभी वैसे लोगों पर कार्रवाई की मांग करता हूँ जिन लोगों ने लगातार इस देश के अमन और चैन को खराब करने की कोशिश की है।